आई सी सी क्लास नाइन चैप्टर सेवेंटीन क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट बी क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट बी क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें एक फिगर दिया गया है जो कि कुछ ऐसा बना हुआ है एंगल वाई है यहाँ पे ये ट्वेल्व है ये फोर इन नाइन्टी डिग्री ये डिस्टेंस दिया गया है थ्री एंड ये है एक्स इसका एक हम नाम लिख दे देते हैं ए बी सी और डी ठीक है तो हमें फाइंड करना है हम सब इसमें चार क्वेश्चन पूछे गए हैं पहला क्वेश्चन है फाइन द वैल्यू ऑफ साइन एक्स दूसरा पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स तीसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसैक स्क्वायर एक्स एंड फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक वाई एंड फिफ्थ क्वेश्चन है टेन स्क्वायर वाई माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर ये वन अपॉन ठीक है तो हमसे ये टोटल पाँच क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको इस ट्रेंगल के माध्यम से हमें सॉल्व करना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनमें जो भी वैल्यूज जिस साइड की वैल्यू हमें नहीं पता है सबसे पहले उसका हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जैसे कि इसमें ए डी सी ट्रेंगल में ए सी पता है ये फोर है ए सी पता है ए डी पता है डी सी की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या करेंगे सबसे पहले डी सी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो भाई पैथागोरस थ्योरम, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर यानी कि में से पहले हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर लेंगे तो डी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा ट्वेल्व का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर यानी कि वन फोर्टी फोर माइनस सिक्सटीन वन फोर्टी फोर माइनस सिक्सटीन ठीक है तो ये हो जाएगा डीसी स्क्वायर तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये एट वन ट्वेंटी एट यानी डी सी आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ वन ट्वेंटी एट कितना आ जाएगा डीसी अंडर रूट ऑफ वन ट्वेंटी एट जो कि होगा एट रूट टू तो जब हमने पैथागोरस थ्योरम यूज करके डी सी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है तो क्या आया है एट रूट टू यूनिट अब ए डी सी ट्रेंगल में हमने बेस डी सी कर लिया है अब इन ट्रेंगल ए डी बी ए डी बी में ए डी हमें दिया गया है फोर बी डी दिया गया है थ्री सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा ए बी बाई यूजिंग पैथागोरस थ्योरम तो इन ट्रेंगल ए डी बी ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर आ जाएगा ए डी यानी कि फोर का स्क्वायर प्लस बी डी यानी कि थ्री का स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा सिक्सटीन प्लस नाइन यानी कि ट्वेंटी फाइव ए बी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव यानी कि फाइव ए बी की वैल्यू क्या आ गई फाइव ठीक है यानी कि ए बी क्या हो गया ए तो बी आ गया फाइव यानी कि हमने जो भी साइड्स दिए थे सबसे पहले हमने उनको कैलकुलेट किया है डी सी एट रू टू आया है एंड ए बी आ गया फाइव अब हमें फाइंड करना है साइन एक्स की वैल्यू पहला क्वेश्चन पूछा गया है साइन एक्स तो एक्स एंगल किस ट्रगल में बनाया है तो ट्रा ए डी बी में तो सबसे पहले ट्रा ए डी बी को लेंगे तो साइन एक्स साइन एक्स साइन का फार्मूला क्या होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि इंटरेंगल ए डी बी जो ए डी है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड ए बी हो जाएगा हाइपोटेनस तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी यानी कि फोर अपॉन फाइव और तो सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स तो कॉट एक्स कॉट एक्स का फार्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि बेस ए डी बी ट्रंगल में बी डी आपका बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी यानी कि बी डी अपॉन ए डी जो कि आएगा थ्री बाई फोर ठीक है थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है तो कॉट एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है हमें क्या सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कौशिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कौशिक स्क्वायर एक्स इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कॉशिक एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी तो कॉशिक एक्स इसका फार्मूला क्या होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है फार्मूला हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर तो ए डी बी ट्रेंगल में एंगल एक्स के लिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए बी एंड परपेंडिकुलर एंगल एक्स के लिए हो जाएगा एडी परपेंडिकुलर तो, क्या होता है तो एंगल के सामने वाली साइड यहाँ पे एंगल के सामने कौन सी साइड है एडी है तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइव बाई फोर ठीक है तो हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉशेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स यानी कि थ्री अपॉन फोर का होल स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर का होल स्क्वायर यानी क्या आएगा थ्री के स्क्वायर नाइन बाई सिक्सटीन माइनस फाइव के स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाई स जब इसको हम एल्सीय लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिक्सटीन एलसीएम हो जाएगा नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव यानी कि माइनस सिक्सटीन अपॉन सिक्सटीन जिसका आंसर आएगा माइनस वन ठीक है तो ये था कॉटिक के स्क्वायर एक्स माइनस कौसे स्क्वायर एक्स का आंसर माइनस वन माइनस वन देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट फोर sec y, sec y, ठीक अब देखिए y वाले एंगल के लिए हमको ट्रेंगल कौन सा लेना है ए डी सी वाई एंगल के लिए ट्रेंगल होगा ए डी सी तो ए डी सी ट्रेंगल में एंगल y के लिए परपेंडिकुलर होगा फोर बेस होगा एट रूट टू एंड हाइपोटेनस होगा ट्वेल्व तो हमें पूछा गया है सेक वाई सेक वाई का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस बेस बाई हाइपोटेनस तो से क्या यानी कि हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी एंड बेस हो जाएगा डी सी तो यह आएगा ट्वेल्व बाई एट रूट टू ट्वेल्व बाई एट रूट टू जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्री अपॉन फोर रूट टू सॉरी थ्री अपॉन टू रूट टू थ्री अपॉन टू रूट टू इसको हमारे स्लाइस कर सकते हैं तो रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई एंड रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा थ्री रूट टू बाई फोर ठीक है तो ये आपका sec y वाई वैल्यू होगा थ्री रूट टू बाई फोर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री का थ्री के बी का पार्ट फाइव इसमें पूछा गया है टेन स्क्वायर वाई माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई देखिए बुक में आपको यही आंसर दिया है तो इसको रेस्लाइज करने की जरूरत नहीं है आपका आंसर ये यही सही है ये आंसर भी सही है गलत नहीं है लेकिन आप बुक में सिर्फ और सिर्फ यही आंसर दिया गया है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट फाइव इसमें दिया गया है टेन स्क्वायर वाई माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई ठीक है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें टेन वाई और कॉस वाई की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा तो टेन वाई क्या होता है टेन वाई। टेन वाई का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर बाई बेस तो इस ट्रेंगल में ट्रेंगल एडीसी एडी AD परपेंडिकुलर है और डीसी क्या है बेस है यानी कि यहां पे हो जाएगा टेन वाई की वैल्यू ए डी अपॉन सी डी यानी कि फोर बाई एट रूट टू यानी हो जाएगा आपका वन बाई टू रूट टू एंड टेन की वैल्यू क्या आ गई वन बाई टू रूट टू एंड अगला है कॉस वाई तो कॉस वाई कॉस वाई का फार्मूला होता है, है अपॉन, बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस तो इसमें बेस सी डी होगा हाइपोटेनस ए सी होगा यानी कि सी डी अपॉन ए सी यानी कि एट रूट टू अपॉन टवेल्व यानी टू रूट टू बाई थ्री वाई का वैल्यू टू रूट टू बाई थ्री देन हमें फाइंड करना है टेन स्क्वायर वाई माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई तो टेन स्क्वायर वाई यानी कि वन बाई टू रूट टू तो वन बाई टू रूट टू का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर यानी कि टू रूट टू अपॉन थ्री का होल स्क्वायर अपॉन थ्री का होल स्क्वायर ठीक है तो हो जाएगा वन अपॉन टू का स्क्वायर फोर इंटू टू का स्क्वायर टू माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर फोर इंटू टू अपॉन थ्री का नाइन ठीक है देन वन बाई फोर टूजा एट ये नाइन चला जाएगा आपका ऊपर यानी कि नाइन अपॉन एट एट एल सी एम वन माइनस नाइन यानी कि माइनस एट अपॉन एट आंसर आएगा माइनस वन ये था क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट बी का सॉल्यूशन थैंक यू